हेलो फ्रेंड्स, माय नेम आकाश पांडे। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे थे कुछ बेसिक्स टॉपिक्स लाइक हनीकॉम एंड क्रीप एंड श्रिंकेज क्या होते हैं, आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किस तरीके से रेक्टेंगुलर कॉलम को डिज़ाइन करते हैं अगर उसका इफेक्टिव लेंथ दिया है तो। एक और वीडियो मैं बताऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि इफेक्टिव लेंथ नहीं दिया है तो कैसे डिजाइन करेंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। जैसे कि हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, जिस न्यूमेरिकल में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है डिजाइन अ शॉर्ट कॉलम ऑफ साइज 400 × 550 mm, सॉरी 550 mm, यूजिंग M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। द कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 1500 किलो न्यूटन अंडर सर्विस एंड यूजुअल कंडीशन ऑफ लाइवुड। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम इज 3.1 मीटर। इफेक्टिव लेंथ इसकी मैं बात कर रहा था, कुछ में दिया रहता है कुछ में नहीं दिया रहता है। इस 3.1 मीटर इज बेस्ड अगेंस्ट साइड स्वे इन बोथ द डायरेक्शंस। मैं अगर थोड़ी सी बात करूं तो मैं पहले बताना चाहूंगा कि ये जो इफेक्टिव लेंथ है अगर नहीं दिया है तो आप कैसे निकालोगे। तो मेरे पास आई एस कोड है, मैं जस्ट आई एस कोड से आपको दिखाता हूँ। आप पेज नंबर 94 पे आएंगे और पेज नंबर 94 पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेज नंबर 94 पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें कंडीशंस लिखी हुई, इफेक्टिवली हैंडल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बोथ एंड। इसका मतलब बोथ कंडीशन में अगर ये फिक्स है, मींस इधर भी फिक्स है और इधर भी फिक्स है, तो इसका थ्योरेटिकल वैल्यू होता है ये, बट हमें लेना कौन सा है, इफेक्टिव वैल्यू लेना है, मींस 0.35 L, 0.35 L लेना है आपको। इसका मतलब 0.65, 0.65 L, L मींस जो हमारा लेंथ दिया हुआ है, बट अगर लेंथ नहीं दिया हुआ है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो इफेक्टिव लेंथ दिया होगा। पेज नंबर 94 पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अलग अलग पोजीशंस है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारे डिस्क्राइब करूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, डिजाइन कैसे करना है कॉलम को, उसको स्टार्ट करते हैं। बट उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है तो www.unixcivil.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके हर एक तरीके के बुक्स आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो। हर एक चीज़ रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग IAS कोर्स आप डाउनलोड कर सकते हो, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इससे आप बने रहें। इसके लिए हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमारी फैमिली में जुड़ सकते हैं और हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत आपको ज्ञान बांट पाएंगे वो आप तक पहुँचेगा। थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने फैमिलीज में जो भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए तो हम लोग डिजाइन करते हैं। तो हमने अगर देखा न्यूमेरिकल में कि हमको यहाँ पे मिला हुआ है 400 और 550, तो हमने 550 इसको ले लिया और 400 mm इसको ले लिया। एफ सी के हमको मिला हुआ है, एफ सी के क्या है, यहाँ पे 20 न्यूटन पर, एफ सी के मीन्स करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील एंड ऑफ द कंक्रीट, एंड एफ वाई यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, ये हमें कितना दिया हुआ है 415 न्यूटन पर mm², यूनिट का हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, अब पहला स्टेप आता है कि उन्होंने बोला डिजाइन अ शॉर्ट कॉलम, तो क्या ये शॉर्ट कॉलम है, इसको पहले चेक करना पड़ता है। तो हमें पता है कि इफेक्टिव लेंथ जो है हमारा कितना दिया, 3.1 मीटर और 3100 mm, करेक्ट। डीएक्स हमारा 550 एंड डीवाई हमारा 400, और इसके बाद हम चेक करेंगे सिलेंडर नेस रेशियो। उसके लिए क्या करना है पता है ना आपको, सिलेंडर नेस रेशियो दो टाइप के होते हैं, मतलब इफ वी टॉक अबाउट कि टाइप्स ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो, तो टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होता है शॉर्ट कॉलम, सेकेंड होता है लॉन्ग कॉलम। तो ये शॉर्ट कॉलम है कैसे पता चलेगा, इफ दिस इज लेस देन 12 देन शॉर्ट कॉलम एंड ग्रेटर देन 12 देन लॉन्ग कॉलम। चलिए देखते हैं, इफेक्टिव लेंथ बाई डेप्थ, जैसे किया तो कितना आई है 5.6 और ये 12 से छोटा है जो कि हमारा शॉर्ट कॉलम प्रूव कर रहा है। दूसरे डायरेक्शन का चेक कर लेते हैं, और हमने देखा 7.75 जो कि 12 से छोटा है, मतलब ये शॉर्ट कॉलम है। हेंस स्लेंडरनेस रेशियो इन बोथ द डायरेक्शंस इज लेस देन 12, सो कॉलम इज शॉर्ट। ओके चलिए, तो आपने एक प्रूवमेंट कर लिया, क्या कर लिया कि कॉलम शॉर्ट है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमको देखना है इसेंट्रिसिटी, मिनिमम इसेंट्रिसिटी इसकी कितनी है, 20+ है कि 20 से कम है। अगर 20 से कम है तो क्या करना पड़ेगा, 20+ है तो क्या करना पड़ेगा, हम ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के लिए इसके लिए फॉर्मूला होता है LEX/500, मतलब LEF(500) + DX, एक्स डायरेक्शन में डेप्थ कितना है बाई 30, ये फॉर्मूला है
अकॉर्डिंग टू आईएएस कोड क्लॉज नंबर 25.4 पे आप जाके देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि 3100 बाई मतलब कि इफेक्टिव लेंथ बाई 500, और इसको हमने देखा तो ये कितना आ गया 24.53 mm। हमने एल सॉरी ई इफेक्टिव निकाला, इसेंट्रिसिटी एक्स डायरेक्शन निकाल लिया, इफेक्टिव इसेंट्रिसिटी इन वाई डायरेक्शन मिनिमम, तो इसके लिए फिर वही फॉर्मूला, बस यहाँ पे डी वाई हो जाएगा और यहाँ पे 30, तो डी वाई कितना है हमारा 400 है और ये कितना है 90.53, जो कि 20 से कम है। अगर 20 से कम है तो हमें क्या करना है उसके लिए, उसके लिए हमें यहाँ पे 0.05 डी एक्स करना है, डी एक्स मतलब डेप्थ एंड 0.05, इसके लिए हम लोग आई स्कोर में देख सकते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे दिया हुआ 0.05। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपको दिखा दो 2 मिनट के लिए, 25.4। ये देखिए मिनिमम इसेंट्रिसिटी, ऑल कॉलम सेल बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी इक्वल टू अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम 500 प्लस लेटरल डायमेंशन बाई 30, जो अभी हम लोगों ने किया, सब्जेक्टेड टू एन मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ 20, वेयर बाई एक्सियल मीन्स दोनों तरफ से लोड आता है, जब बेंडिंग इज कंसिडर्ड इट इज सफिशियंट टू इंश्योर दैट इसेंट्रिसिटी एक्सीड द मिनिमम अबाउट, ठीक है। और इसके बाद अगर ये 20 से कम आता है तो पेज नंबर 74 पे हम लोग चलेंगे, पेज नंबर 71 पे चलेंगे, और 71 पे चल के देखेंगे अगर, तो यहां पे दिया हुआ है कि इफ व्हेन द मिनिमम एस 25.4 डज नॉट एक्सिस्ट, तो यहाँ पे क्या करना है 0.05 टाइम्स ऑफ लेटरल डायमेंशन, हमने वही किया है 0.05 टाइम्स ऑफ लेटरल डायमेंशंस, और जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा 0.05 और लेटरल डायमेंशन जो हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना आया 27.5, ये ज़्यादा आना चाहिए किससे, जो हमारा ये आया था इससे ज़्यादा आना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं डी वाई किया तो ये देखिए यहाँ पे 520, और ये ई वाई से मिनिमम मतलब इससे ये ज़्यादा है, मतलब हमने इसेंट्रिसिटी भी कैलकुलेट कर लिया। सिंस द मिनिमम इसेंट्रिसिटी आर लेस देन 0.05 टाइम्स ऑफ द लेटरल डायमेंशन इन बोथ डायरेक्शंस, द फॉलोइंग फॉर्मूला इज गिवन एज कैन बी कैलकुलेट, मीन्स पीयू का फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि पेज नंबर 71 पे है, और ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे है 0.04 सॉरी 0.4 एफ सी के ए जी, ए जी क्या है यहाँ पे ग्रॉस एरिया है, और एफ सी के आपको मैंने बता दिया हमारा 20 या 25 पे यहाँ पे, और कितना है यहाँ पे 20 है, ठीक है। और यहाँ पे 20 मतलब मिक्स प्रोपोर्शन होता है एफ सी के, अगर थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ तो ये मिक्स प्रोपोर्शन है, अगर M20 लिखा है या M15 लिखा है मतलब उसका मिक्स प्रोपोर्शन कितना होगा, M15 का 1:2:4, M20 का कितना होगा 1:1.53, और M25 का कितना होगा 1:1:2, इस तरीके से मिक्स प्रोपोर्शन होता है। और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमने लगाया तो हमने बताया ना एजी क्या है ग्रॉस एरिया है, ठीक है, और ये क्या है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, और ये करेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टील, और ये एरिया ऑफ स्टील एएससी, यही हमको यहाँ पे फाइंड करना है। नौ पी हमारी कितना दिया हुआ 1500 दिया हुआ है, बट आपको पता है कि फैक्टर लोड निकालने के लिए मतलब फैक्टर एक्सेल लोड निकालने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो किया जाता है इतना, ठीक है। और इसके बाद हम लोग फटाफट फॉर्मूले में रखेंगे पी यू इक्वल टू 0.04 एफ सी के ए जी, और इस तरीके से पुट किया और हमने यहाँ से ए एस सी निकाल लिया, समझ आया हमें निकालना क्या था, ये ए एस सी एरिया ऑफ स्टील आ गया। अब चलिए देखते हैं इस एरिया ऑफ स्टील में हम लोग कुछ स्टील प्रोवाइड करेंगे, देखेंगे क्या स्टील वो इसको एग्जिट करेगा। चलिए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है रेनफोर्समेंट डिजाइन, ठीक है, रेनफोर्समेंट डिजाइन जिसमें हमने प्रोवाइड कर दिया इसको अपने तरफ से 4 बार्स ऑफ 16 mm एंड 4 बार्स ऑफ 20 mm डाया बार्स एट द कॉर्नर एंड 16 mm डायमीटर बार्स आर इन एट द फेस, हमने प्रोवाइड किया। तो जब इसको प्रोवाइड किया तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है ए एस सी प्रोवाइडेड इक्वल टू, यहाँ पे हमने ए एस सी प्रोवाइडेड इतना आ गया हमारा, यहाँ पे ए एस सी प्रोवाइडेड हमने देखा, ए सी प्रोवाइडेड कैसे निकला हमारे पास यहाँ पे एक देखिए 4 बार लगे हुए हैं 16 mm के, तो हमने पाई बाई 4 d² से हमने निकाल लिया कि इसका कितना एरिया लगेगा, प्लस 20 mm का 4 बार लग रहा है इसके लिए भी पाई बाई 4 d² से हमने निकाल लिया, दोनों का सेम कर दिया, जब सम किया दोनों का तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 2060 मतलब 2060.9, जो कि हमारे 1800 जो हमें पीछे आया था अभी हमारा ए सी उससे ज़्यादा है, तो हमें चेक करना चाहिए इसका परसेंटेज ऑफ द स्टील फ्रेंड्स। तो परसेंटेज ऑफ द स्टील के लिए क्या करना है पी टी, और ये इतना बाई
into 100 by 400 550, ठीक है। ये जैसे किया तो हमने यहाँ पे देखा कि ये 0.937% आ गया, जो कि 8% से कम है, और सॉरी 8% से ज़्यादा है एंड 6% से कम है। वैसे आपको बता दूं कि 4% स्टील आपको अच्छे से प्रोवाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू पेज नंबर 48 क्लॉज नंबर 26.5.3.1। इसके अकॉर्डिंग हमें 1% मतलब 0.826 लिमिट है, बट हमें मैक्सिमम करना चाहिए कितना, 4% मैक्सिमम स्टील प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि उसको कंस्ट्रक्शन करने में इजी रहे। थियोरेटिकल वैल्यू 6 है, बट न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम बात करें थी मतलब अगर हमें प्रैक्टिकली देखना है तो 4 है। चलिए 4%। और उसके बाद हम लोग अब देखते हैं लैटरल टाइज किस तरीके से डिजाइन करेंगे। लैटरल टाइज के लिए क्या करना है आपको, डायमीटर ऑफ द टाई यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, 5/4 कर दो तो डायरेक्ट आपको पता चलता है 5 mm, बट 5 mm का तो आप स्टील प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 6 mm प्रोवाइड करते हैं, जो कि आज के टाइम में मिल नहीं रहा है। सो हम लोग क्या करते हैं, 8 mm का यूज़ करते हैं। 8 mm क्या होता है, HYSD होता है। 6 mm क्या होता है, 6 mm माइल्ड स्टील होता है, जिसमें हम लोग के रिब नहीं होती, स्टील में रिब नहीं होती, स्टील प्लेन होती है। चलिए स्पेसिंग्स कैसे चेक करेंगे, स्पेसिंग्स के लिए आपको यहाँ पे 16x16 किया तो हमारे पास कितना 254 आया mm, 256, और उसके बाद अगर 20x20 करोगे तो 400, विच एवर इज लेस, ये लेस है 256। मैक्सिमम कोशिश करें तो हम लोग 300 प्रोवाइड करें, बट 256 आपका आंसर आएगा, 256 mm स्पेसिंग्स आप रख सकते हो हर एक बार के अंदर में। और अगर आप एडॉप्ट करना चाहो तो 200 इजली कंस्ट्रक्शन के लिए 200 mm का आप सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग्स दे सकते हो। क्यों 200 दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 6 mm मांग रहा था तो हमने 8 mm दिया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिंग्स कम किया है, 200 कर दिया, और इस तरीके से हमने 4 बार डाले 20 के, और क्या बोलते हैं 4 बार डाले 16 mm के, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं किसी भी कॉलम को। होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिजाइन करने वाले हैं सर्कुलर कॉलम को। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट करिए, और हमें अगर आप कमेंट करके शेयर कर भी करते हो तो मुझे लगता है कि यार अभी और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने चाहिए और टॉपिक्स पे वीडियो बनाने चाहिए। मेरी कोशिश है कि RRB JEE और SSC JEE के अपकमिंग एग्जाम में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे थ्रू, जो मेरे नॉलेज के बेसिस पे जो हो सकता है मैं आप तक ट्रिब्यूट करूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। थैंक यू।